नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। इस वक्त की एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई है, साथ ही बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई है, जहां पर नीमच में बड़ी संख्या में बैंकों में अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं। उसके बाद ये पूरा अकाउंट दूसरे को हैंडल किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में ट्रांजेक्शन किया जाता है। वहीं अगर बात की जाए तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साथ ऐसी भी जानकारी निकल के आई है जिसमें भोले वाले जो लोग हैं उनसे अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं, उसके बाद इसको जो है दूसरा आदमी हैंडल कर रहा है। वहीं अगर बात करें तो इस खबर पर जो है स्थानीय लीड बैंक के मैनेजर ने भी मोहर लगाई है। उन्होंने भी जो है इस बात पर कहा है कि उनको भी इस तरह की जानकारी मिली थी। एक आदमी दिल्ली से आया था और वो अपने नंबर जो है यहाँ पर जुड़वाने की चाह रहा था, लेकिन हमें जब संदिग्ध मामला लगा तो हमने इस मामले को ये नंबर जोड़ने से मना कर दिया। वहीं अगर बात की जाए ये पूरा मामला क्या, हम आपको दिखाते हैं, आपको सुनाते हैं किस तरीके से ये मामला किस तरह के सुर्खियों में आया। दरअसल वॉइस ऑफ एमपी को सूत्रों से जानकारी मिली है कि नीमच जिले में संचालित होने वाले बैंकों में शातिर बदमाशों ने अन्य व्यक्ति के नाम से खाते खुलवा रखे हैं। खाता खुलवाने के दौरान वे संबंधित व्यक्ति को बैंक लेकर पहुंचते हैं, आवश्यक दस्तावेज और राशि जमा कराने के बाद वे संबंधित से चेक बुक, डेबिट कार्ड सहित अन्य डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेते हैं। यहां तक कि बैंक में मोबाइल नंबर भी स्वयं का जुड़ा देते हैं, ताकि असली उपभोक्ता को बैंक से किए जाने वाले ट्रांजैक्शन की जानकारी भी नहीं लग सके। खाता खुलवाने के बाद ये शातिर लोग अपने लोग देश के कई राज्यों से उक्त बैंक अकाउंट के माध्यम से बड़ी मात्रा में राशि का लेनदेन करते हैं। इस संबंध में सूत्रों ने बताया कि नीमच के अधिकांश बैंकों में भोले भोले लोगों को रुपयों का लालच देकर खाते खुलवाने का सिलसिला चला हुआ है और इन खातों में अन्य राज्यों यूपी, बिहार, झारखंड आदि से बेनामी ट्रांजैक्शन होते हैं। एक बैंक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि ये मामला संभवत क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बैंकर्स चिंतित हैं, लेकिन इस मामले में कोई पुलिस शिकायत नहीं हुई है और बैंक अधिकारी ने कहा कि बनके अपने संपूर्ण दस्तावेज लेकर खाता खोलती है और लेकिन यदि ये खाता कोई दूसरे को बेच दे तो बैंक क्या कर सकती है। ये मामला अन्य एजेंसियों जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आदि के कार्य क्षेत्र में आता है। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने लीड बैंक मैनेजर हेमंत खोरे से बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ, अभी हाल ही में मेरे सामने एक मामला आया था जिसमें अकाउंटेंट होल्डर अपने फोन नंबर की जगह दूसरे दिल्ली निवासी का नंबर जुड़वाना चाहता था, लेकिन बैंक को शंका हुई तो हमने इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ बैंक उपभोक्ता रुपयों के लालच में अपना खाता किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देते हैं। इसके बाद वे शातिर लोग बैंक अकाउंट को अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, देश के कई राज्यों में बेनामी ट्रांजैक्शन करते हैं। ऐसे मामलों में अन्य एजेंसियों को जांच की आवश्यकता है। बैंक सभी सही दस्तावेजों के बाद खाता खोलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी।